चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना आवाज आ रही है, ऑडिबल हूँ आप सभी को। मैं जल्दी से बताओ, आज बढ़िया से धमाकेदार सेशन करने, आज ये वाली क्लास तो इम्पोर्टेंट है ही है। देखो, मैंने आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है कि 5 दिन में आप बहुत कुछ कवर। एक बार बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप सभी को? पहले ये बताऊं, आवाज आ रही है? पहले एक बार ये बताओ, फिर मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ सेशन। चलिए देखो यार, मैं आपके लिए एक सेशन, एक टारगेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा अभी आपको 3 दिन लगातार, आज कल और परसों। जो कवर कर लेगा उसकी बहुत सारी जीके कवर हो जाएंगी। मैं आपको 30 चैप्टर कवर करवाने वाला हूँ। 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, 5 चैप्टर अभी हो जाएंगे, 5 चैप्टर कल और 5 चैप्टर परसों, यानी कि 15 चैप्टर हम 7 बजे वाली क्लास में ख़त्म कर देंगे। ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, वही चैप्टर हैं सिर्फ। 7 बजे पढ़ लो, काम आएंगे, ठीक है? चैप्टर कवर कर लोगे ना, तो बच्चों का इतना डाउट रहता है कि सर आप क्वेश्चन करा देते हो लेकिन चैप्टर मिल जाए ना तो बढ़िया रहता है। PDF दूंगा, चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा इम्पोर्टेंट कि 15 चैप्टर और हैं, वो रात को 10 बजे चलेंगे, तो आप चैप्टर सारे पढ़ लेना, ठीक है? 7 और 10 बजे, और अनअकैडमी पे चलेगा आपका पूरा एग्जाम जो मैं आपको 8 बजे कराने वाला हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप अनअकैडमी पे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं स्टैनो के लिए, कोर्ट जो एग्जाम्स हैं उनके लिए पढ़ सकते हैं, अच्छा मौका आपके लिए है ना। चलिए तो रैपिड फायर में आप चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चैप्टर है। आप जो स्कॉलरशिप है इसको भी 26 तारीख को देना, और ये टेलीग्राम से PDF उठा लेना, और बाकी सब कुछ भी आपको मिलेगा। 10 बजे वाली क्लास आज समझ लो, आपने आज 10 चैप्टर करने हैं तो 7 और 10 दोनों टाइम पढ़ लो, और अगर सिर्फ 5 करने हैं तो सिर्फ 7 बजे पढ़ लो। अब आप पे डिपेंड करता है 3 दिन में 30 चैप्टर करना चाहते हो या 3 दिन में 15 चैप्टर करना चाहते हो। 30 चैप्टर कर लोगे तो एग्जाम के इस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां से सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है? ध्यान रखना, आज डाउट रेज हैंड के ऑप्शन, रिपोर्ट एंड विन के ऑप्शन, और यार फीस ना हाइक होने वाली है, फ्री क्लासेस आपको मिल रही है, तो बस मैं एक आपको बता रहा हूँ कि प्राइस जो है SSC के सोन हाई होने वाले हैं। लाइवमन कोर्ट से कम फीस में ही ज्वाइन कर लो, जिसमें डिस्काउंट भी मिल जाए। नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनको भी यूटिलाइज कर लो SSC गोल्ड में। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लाइवमन यूज करना, जिससे आपको डिस्काउंट हो जाए, फीस हाइक होने से पहले यूज करो, ठीक है? चलिए पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वही चैप्टर है जो क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 30 चैप्टर से बाहर 7 और 10 बजे पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। पहला ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं VI करूंगा, और PDF में भी आपको उसी तरीके से मिलेगा कि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मिलेगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पे? कुछ चीजें आसान होंगी, कुछ मुश्किल, हमें सब सीखना, ठीक है? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पे? Washington DC दे रखा है एक, और न्यूयॉर्क USA दे रखा है, इसमें से क्या आंसर लाओगे? कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से कोई एक जो है गलत हो जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का Washington DC का आंसर है। फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, देखो फीफा फुटबॉल की जगत में सबसे बड़ा, ठीक है, जो कह सकते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, फीफा कंडक्ट करवाते हैं, तो ये फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है या जनेवा स्विट्जरलैंड? मैं आपके मन में थोड़ा सा डाउट भी पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि यही पेपर में भी हो जाता है कि यार जनेवा वाला स्विट्जरलैंड लगाऊं या ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड लगाऊं, यही कन्फ्यूजन पेपर में हो जाती है, ठीक है? अगर एक बार ही मन में आ जाए, नहीं आए तो फिर तो बढ़िया है ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका आंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे? जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आसान है, इजी चीजों को छोड़ भी सकते हैं, इधर ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, इट्स जनेवा स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है, देखो यार यूनिसेफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस के लिए बहुत काम कर रहा है, ठीक है? इसके जो एम्बेसडर बनाए गए उसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एम्बेसडर का चैप्टर भी रखा है मैंने आज, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर होंगे, सारे इंपोर्टेंट है, जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन, ठीक है? आंसर है इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। चलिए BCCI इंडिया के है ना, BCCI हमारे भारत का जो है, इसकी शुरुआत ना बंगाल से हुई थी, ठीक है, बंगाल से हुई थी, ध्यान रखना। BCCI की शुरुआत कौन से स्टेट से हुई? वेस्ट बंगाल से हुई थी, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली ये कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, OPEC, ठीक है, ऑयल जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ऑयल पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब आप समझ लो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़े भी हैं, कुछ भी किया है आपने, आप ये 30 चैप्टर खत्म कर लो, उसके बाद कोई मॉक अटेम्प्ट करके देखो GK का 25 क्वेश्चन का, मैं आपको बता रहा हूँ आप 25 में से कितने स्कोर निकालोगे, 20
करंट अफेयर एक्सक्लूडेड है भाई, करंट अफेयर नहीं कहूंगा मैं इसमें। मैं अगर सीधा स्टैटिक जीके या जीके का पेपर लूं तो आपका आ जाएगा, इसमें स्टैटिक जीके नहीं है, सब कुछ है। 7 बजे लगातार 3 दिन पढ़ो, मजा आ जाएगा, और 10 बजे लगातार 3 दिन पढ़ो, 30 चैप्टर खत्म करने हैं, टारगेट अपना कर लिए तो आपका पेपर हो जाएगा क्लियर। आंसर वेना ओसीएस का आंसर, इसरो अपना सबसे भारत की शान है इसरो, वैसे भी आपको पता ही है ना। बेंगलोर इसका आंसर है। इसरो के नए चेयरमैन का नाम बताएं, चेयरमैन वाला एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, चेयरमैन वाला एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जिसमें जो जो नए चेयरमैन बने इसरो के चेयरमैन का नाम आप बताएंगे अभी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरनेशनल एटॉमिक, बेटा शेयर भी कर दो यार, मजा आना चाहिए क्लास में। अब 8 बजे वाला लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा आज, फुल एंड फाइनल पेपर समझ लो, तीन पेपर समझ लो जो हमें अटेम्प्ट करने हैं शिद्दत से, पूरी शिद्दत होगी तभी सिलेक्शन है, ठीक है, और उसमें आपको पूरे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आंसर है वेना ऑस्ट्रिया इसका आंसर है। इधर अपना पेरिस मत लगा दें जल्दी से, पेरिस वाला आएगा, पेरिस तो वैसे ऑप्शन में नहीं दे रखा लेकिन पेरिस वाला भी क्वेश्चन आएगा। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आसान होते हुए भी ये न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में दिक्कत होती है, आसान होते हुए भी दिक्कत होती है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, न्यूयॉर्क है। आप क्या करते हैं बच्चे, इसमें वॉशिंगटन लगा के आ जाते हैं, ठीक है, और ये गलत भी हो जाता है, वॉशिंगटन लगा दिया गलत हो गया, आसान क्वेश्चन भी गलत हो गया। IMF, देखिए IMF से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है वो किसका मिलता है आपको पता ही होगा, ठीक है, किस तरीके की करेंसी यहाँ पे जो है एक दी है ना। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, IMF के हेडक्वार्टर कहाँ पे? सेम Washington DC, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक वहाँ पे IMF। सिंपल सा फंडा रखो, वर्ल्ड बैंक एंड IMF बोथ रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके काम के होंगे। DRDO, ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी या क्या? मैंने ये सही लिखा है क्या? मैंने DRDO 1 जनवरी सही लिखा है? जल्दी से बताइएगा, क्या मैंने DRDO 1 जनवरी सही लिखा है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिल्ली तिमारपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने ही DRDO है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पे? चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, दुबई इसका आंसर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर नाटो। इस समय ये एक तरीके से ना बिग फेस है नाटो इस समय, है ना, क्योंकि यूक्रेन की मदद करी नहीं नाटो ने। समझ सकते हैं आप, यूक्रेन जैसे जो जो देश नाटो का हिस्सा है, कितने देश नाटो के हिस्से हैं ये बताइए, इन टोटल कितनी कंट्री है जो नाटो में आती है बताइए, कितनी कंट्री है जो नाटो में आती है? ब्रुसेल कॉकपिट ऑफ यूरोप है ये, इसे हम कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, ध्यान रखना आपसे पूछा जाए कि ब्रुसेल क्या है, कॉकपिट ऑफ यूरोप है, क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कितने देश है इसमें? 30 देश आते हैं टोटल, 30 देश आते हैं नाटो में। एक और क्वेश्चन देखिए, ये आसान है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, होता क्या है कभी कभी इसमें टूरिज्म भी लिखा हुआ मिलता है कि भैया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो WTO टूरिज्म वाला पूछेगा तो मैड्रिड लगाओगे आप, ठीक है, मैड्रिड लगाओगे आंसर, ठीक है, ऐसे जनेवा स्विट्जरलैंड आंसर है, बच्चों वाला सवाल हो गया। लेकिन हाँ देखो, मेरा इधर ना फोकस ये नहीं है कि बच्चों वाला सवाल है या बड़ों वाला है, ठीक है, देना तो आप ही नहीं है, ठीक है, किसी का भी आ जाए, अपना फोकस इधर ही होगा कि ऐसे कौन से 30 चैप्टर हैं जो मैं अगर आपको पढ़ाऊँ तो उसमें से आप फिक्स नंबर निकालो। रैंडम नंबर बहुत आ जाएंगे, पेपर मैं करवा रहा हूँ, 8 बजे आप पेपर दो, रैंडम नंबर भी निकलेंगे। फिक्स नंबर निकाल लें हमने 7 और रात को 10 बजे, 3 दिन में, कितने दिन में? 3 दिन में निकाल सको तो निकाल लो, ये 30 चैप्टर आपने कर लिए तो आपको बहुत फायदा होगा। सार के हेडक्वार्टर काठमांडू है, सार काट जाती है। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को का इंडिया अभी प्रेजेंट में मेंबर बना, आप सब जानते हैं, यूनेस्को साइट बहुत सारी फेमस है, जैसे पेरिस इसका आंसर है कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, ठीक है। चलिएगा बेटा, पॉलिटी भी इसमें डालिए, पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो 30 चैप्टर का हिस्सा हैं। ये ना समझो कि स्टैटिक जीके है सिर्फ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, इवन इकोनॉमिक्स, इनके जो टॉप 30 चैप्टर्स हैं उनका कंपाइलेशन है 7 और 10 बजे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक जीके होगी। एशियन हेडक्वार्टर जकार्ता में है, आरबीआई ऑब्वियसली मुंबई छोड़ूंगा मैं क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे? जैसे आप IMF का जानते हो वैसे आप वर्ल्ड बैंक का जानो, Washington DC इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये देखो साइंस के क्वेश्चन, साइंस भी नहीं छोड़ रहा, अगर आपका जैसे साइंस का इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आने ही आना है, आपसे पूछा ही जाएगा कि भैया एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, सन की जो रेडिएशन है उसको कैसे मेजर करते हैं,
अल्फा बीटा गामा को कैसे मेजर करते हैं, तो ये तो आना ही आना है ना, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, बताइए सोलर रेडियंस को जो आ रही है हमारे अर्थ तक उसे कैसे मेजर किया जाता है, बताइए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहला क्वेश्चन कमेंट करिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन। अरे स्पेलिंग को छोड़ो, है स्पेलिंग को छोड़ो, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है देखो, पायरो मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हेलियो मतलब होता है सन, और ये इधर लिखा ही हुआ है गया क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोमीटर डिवाइस किसको मेजर करता है, बताइए। अभी जो चैलेंज होगा ना, जो कंपटीशन चैलेंज होगा वो होने वाला 8 बजे, 8 बजे का चैलेंज आज आपके सामने है, और 120 क्वेश्चन का चैलेंज है, 120 क्वेश्चन का चैलेंज है, और 100 प्लस लाने, ये चैलेंज है आज आपका, है ना। आज क्वेश्चन भी ज्यादा है, मार्क्स भी ज्यादा निकाल ले, ठीक है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन आंसर क्या है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, विंड स्पीड और विंड प्रेशर दोनों को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताएंगे। विंड स्पीड और विंड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताइए आंसर क्या है। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दोस्तों, पेपर अपना 8 बजे ही होगा, आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो यार, इसका आंसर विंड स्पीड का एनीमोमीटर है, ठीक है, एनीमोमीटर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, रोटेशन को मेजर करते हैं कैसे, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट जो होती है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, रोटेशनल मूवमेंट को किस तरीके से मेजर किया जाता है, आंसर इस क्वेश्चन का ग्रायो स्कोप इसका आंसर है। रोटेशनल मूवमेंट्स को कैसे मेजर करते हैं, ग्रायोस्कोप से मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आसान है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फैटोमीटर डिवाइस क्या मेजर करने के लिए यूज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फैटोमीटर जो डिवाइस है वो क्या मेजर करने के लिए यूज में आती है, ठीक है, बताइए आंसर क्या है। एवरेज चीजें सीख के ना एक बार पेपर अटेम्प्ट करके देखो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यार अपना जो एजुकेटेड गैस है कितना काम आता है। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, उसके बाद मैं आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, एक बार अटेम्प्ट करके देखना, इसके बाद पेपर आपको अपने आप समझ आएगा कि यार हाँ चैप्टर देख के, ठीक है, है ना, आपको चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। चलिए डेप्थ ऑफ वाटर इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, पैथोमीटर हाई टेम्परेचर, देखो जब भी वर्ड हाई टेम्परेचर आए तो पायरो वर्ड मिलेगा, पायरो वर्ड मिलेगा, ठीक है, पायरो वर्ड मिलेगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, एक्टिनोमीटर डिवाइस किसके लिए यूज होती है, क्या मेजर करते हैं, एक्टिनोमीटर डिवाइस से हम क्या मेजर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक्टिनोमीटर जो डिवाइस है इससे हम क्या मेजर करते हैं, जल्दी से बताइए एक्टिनोमीटर। चलिए एक्टिनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, अगर कोई रेडिएशन है और उसकी कितनी हीटिंग पावर है, ये एक्टिनोमीटर से जो है मेजर किया जा सकता है, किसी भी रेडिएशन की हीटिंग पावर को मेजर किया जा सकता है इससे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हार्ट की फंक्शन छोड़ूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान हो जाएंगे बिल्कुल ही। चलिए आ सकता है क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, मिल्क में कितना वाटर है ये कैसे मेजर किया जा सकता है। 10th क्लास का आप इतना समझो कि आप जो एग्जाम दे रहे हो ना, चाहे आप CHSL दे लो, CHSL तो डेफिनेटली आपका जो है, या फिर आपके रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, ये सारे आपके ना 10th क्लास और 9th क्लास NCERT होते हैं। मैं वही आपसे 10th क्लास NCERT का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको पेपर में भी मिलता है, ठीक है। आंसर है इलेक्ट्रोमीटर इसका आंसर। अगर आपको रेंज एंगल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की डिटरमाइन करनी है रेडियो वेव को यूज करके, रेडियो वेव को यूज करके आप क्या करेंगे, बताइए जल्दी से बताइए। एक चीज को जान लो, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना दोस्तों, चैप्टर होता है कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको स्पेलिंग्स रीड करनी है, कुछ स्पेलिंग ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी, कुछ स्पेलिंग ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, है ना। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीजें आसान होती है और उसमें से हम कुछ नया सीखते हैं, हमें वो करना है। चैप्टर एक बार ही कवर कर लो, आसान मुश्किल सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे MCQ वाले मिसलेनियस, तो आपको पता नहीं चलेगा आप आसान पढ़ रहे हो या मुश्किल पढ़ रहे हो, या आप पूरा चैप्टर कर भी रहे हो कि नहीं।
पूरा पढ़ लो, आसान मुश्किल सब निकल जाएगा। रडार इसका आंसर है, रडार से मेजर होता है, ठीक है। अंडर वाटर साउंड को कैसे मेजर करते हैं, अंडर वाटर साउंड को कैसे मेजर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का हाइड्रोफोन्स, हाइड्रोफोन्स को यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ये आसान है क्वेश्चन, है ना, छोड़ेंगे। ह्यूमिडिटी बार बार आता है क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी का बताइए आंसर क्या है, ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए देखो यार, ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो आंसर है दोस्तों, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया था हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर यूज किया था। होता क्या है, पेपर में आपको हाइग्रोमीटर देते हैं और साथ के साथ आपको हाइड्रोमीटर देते हैं, हाइड्रोमीटर जब ये दे देते हैं ना, समझ लो ये आसान सा दिखने वाला बच्चा सवाल जो है पेपर में गलत हो रहा है, 80% बच्चों, 80% बच्चों का गलत हो रहा है। कारण क्या है, जल्दी, और जल्दी में आपने हाइग्रो और हाइड्रो को देखा ही नहीं, गलत हो गया, गलत हो, इतना ही होता है पेपर में, होता है ऐसा, रियलिटी है। आप ट्रेवल, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ह्यूमन हाइट को कैसे मेजर किया जाता है, बताइए ह्यूमन हाइट को कैसे मेजर किया जाता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों ह्यूमन हाइट को मेजर किया जाता है स्टेरियोमीटर से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट की ग्रोथ, ये वीआई क्वेश्चन है कि भाई जो प्लांट की ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, बताइए प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? रोज अगर 10 चैप्टर हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जीके तैयार हो जाएगी 3 दिन में, 30 चैप्टर करने हैं हमें, ठीक है, 30 चैप्टर। रात को 10 बजे 5 चैप्टर करा दूंगा, अभी 5 चैप्टर करा दूंगा, और बीच में 8 बजे एक पेपर रखा है, लिंक ऊपर लगवा रहा हूँ, ठीक है, लिंक ऊपर लगवा रहा हूँ, जरूरी क्लास होगी 8 बजे की और 10 बजे की आज, ठीक है, 3 दिन तक लगातार पढ़ो। चलिए आंसर इस क्वेश्चन, ऑक्सीनोमीटर इसका आंसर है। चल लाइट डिटेक्टर तो आप सभी जानते हैं, पॉलीग्राफी जो है यूज की जाती है ना, बताइए गोल्ड की प्योरिटी को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए क्या होता है, गोल्ड की प्योरिटी को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए क्या होता है, जल्दी से बताइए, गोल्ड की प्योरिटी है और उसे हमें एग्जैक्टली मेजर करना है, क्या होगा? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो गोल्ड को हम मेजर करते हैं कैरेट में, है ना, तो उस हिसाब से कैरेट मीटर याद रखो, उस हिसाब से क्या याद रखो, कैरेट मीटर याद रखो, ये भूलोगे नहीं, कैरेट का कैरेट मीटर। चलिए एक और देखते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ 10 चैप्टर की आपको मिलेगी इसमें, ठीक है, इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, जो मैं आज पढ़ा दूंगा 3 दिन में लगातार, वो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसी को रिवाइज करना आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए ये आसान हो गया, ये कुछ चीजें जो आसान है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बताइए, साउंड वेव को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, बताइए साउंड वेव को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? कल भी 7 बजे क्लास है, 5 चैप्टर उठाएंगे, रात को 10 बजे क्लास है, 5 चैप्टर उठाएंगे, और 30 चैप्टर जो है 3 दिन में खत्म करेंगे। चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का माइक्रोफोन, साउंड वेव को मेजर करने के लिए। जैसे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन जो है, जितनी भी टाइप की रेडिएशन है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, मतलब जितनी भी टाइप की जो रेडिएशन है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गैगर काउंटर, ठीक है, गैगर काउंटर ये आसान है, ठीक है, कुछ चीजें आसान है वो मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ इस पे क्वेश्चन आता है, टॉर्क या रोटेशनल स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, बताइए टॉर्क या रोटेशनल स्पीड को, ये क्वेश्चन गलत होता है बहुत बारी, ये क्वेश्चन गलत होता है कि टॉर्क या रोटेशनल स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, बताइए टॉर्क या रोटेशनल स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का डायनेमोमीटर इसका आंसर, क्या है आंसर? डायनेमोमीटर इसका आंसर है, टॉर्क या रोटेशनल स्पीड को डायनेमोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। हम पता क्या सोचते हैं कि पेपर आता होगा यार बहुत मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर कभी भी देखना, पेपर मुश्किल नहीं आता, पेपर में इतनी बेसिक चीज आ जाती है कि वो बेसिक चीज हमें ज्यादा मुश्किल लगती है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि हमने उस पर गौर ही नहीं फरमाया, आसान चीज पे गौर नहीं फरमाया, वो बेसिकली पेपर में कन्फ्यूजन हो जाती है। ये तो आसान है कुछ ज्यादा ही। हाँ जी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं,
बताइए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो थोड़ा सा जो मुश्किल है उस पर फोकस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? आंसर क्या है? आज जो 8 बजे 120 क्वेश्चन होंगे ना, वो जल्दी जल्दी होंगे, उसमें 100+ लाने, कंपटीशन है तगड़े वाला, है ना? आज मतलब समझ लो कि आज आप 3 दिन ये पेपर अटेम्प्ट करके देख लो, 3 दिन में आपकी ग्रोथ देखना कैसे होती है जीके को लेके, और 3 दिन ये क्लासेस देख लो, 7 और 10 बजे वाली। रेडियोमीटर इसका आंसर है। चलिए अमेंडमेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहला पॉलिटी का चैप्टर, 30 चैप्टर में से पहला पॉलिटी का चैप्टर, आना ही आना है, ठीक है? देखो यार, अमेंडमेंट के क्वेश्चन तो 100% है, कोई एक अमेंडमेंट पेपर में आएगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी कोई एक आता है, जो मैंने उससे पहले चैप्टर कराया था वो भी एक पक्का आता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? तो अमेंडमेंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट देखिएगा, ठीक है? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जो है 8 शेड्यूल में भाषा डाली गई, यानी कि जो टोटल 22 लैंग्वेज है उसमें डाली गई, कौन से अमेंडमेंट से? बताइए कौन से अमेंडमेंट से, ठीक है? बताइए कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी कौन से अमेंडमेंट से? तो ध्यान रखना 70, ठीक है? 71st अमेंडमेंट 1992 हुआ था। बताइए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये कौन से अमेंडमेंट से वुमेन्स को दिया गया, या मुश्किल क्वेश्चन है, महिलाओं को किससे दिया गया? बताइए आंसर क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे एक क्वेश्चन आ सकता है पक्का। जो बच्चा बोल रहा है ना कि क्वेश्चन आसान है, भाई अगर आपके लिए क्वेश्चन आसान है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ, पेपर ऐसे ही चैप्टर में से आते हैं, ठीक है? सिंपल सा अमेंडमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है? हम हर बच्चे को कराना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो यार हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अच्छी बात है ना, है ना? पेपर दो आप सीधा 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं, जिसने सीखना है वो सीखो, ये सीखने के लिए है, क्योंकि सबको नहीं आता है सब कुछ। 61st अमेंडमेंट है, और ये 61st अमेंडमेंट जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 21-18 वाला कंसेप्ट अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊंगा। दादर एंड नगर हवेली यूनियन में कब आया, इंडियन यूनियन का भाग कब बना, जल्दी से बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? दादर और नगर हवेली कब बना भाग, मुश्किल है क्वेश्चन ये। चलिए तो दादर और नगर हवेली, ठीक है? देखो यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जैसे जितने भी यूनियन टेरिटरी बने, जैसे सिक्किम भी भाग बना इंडिया का, दादर नगर हवेली बना, गोवा बना, ये सारे बने, उनके क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो दादर जो है 10 है, ठीक है? ध्यान रखना 10 है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस अमेंडमेंट में ये कहा गया, समझो क्वेश्चन को, कि फंडामेंटल राइट जो 20 और 21 है उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता इमरजेंसी, बाकी सबको कर लो। आप सब जानते हैं इमरजेंसी में, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं होते, और ये कौन से अमेंडमेंट की वजह से ऐसा हुआ, कौन से अमेंडमेंट से ऐसा हुआ? तो ध्यान रखना आंसर है 44th अमेंडमेंट से ऐसा हुआ था। बस याद रखो, जो भी अच्छे कर्म है वो 44th अमेंडमेंट ने करे, ठीक है? और जो भी बुरे कर्म है, ठीक है, जो भी बुरे कर्म है वो 42nd ने करे, बस इतना याद रखो, ठीक है? और बुरे कर्मों को अच्छा करने के लिए 42 के बाद 44 आया था, ये भी याद रखो, ठीक है? तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये आपको बड़ा स्ट्रेट अवे याद रहेगा, ठीक है? 9th शेड्यूल वाज एडेड टू, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 9th शेड्यूल एड किया गया था, ये तो याद होगा सबको। 9th शेड्यूल जो है वो सबसे पहले अमेंडमेंट से हुआ था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अमेंडमेंट से हुआ था 9th शेड्यूल। हमारे भारत में वोट देने का राइट 21 की जगह अब 18 साल के लोगों को स्टार्ट हो जाता 18 से, है ना? एडल्ट फ्रेंचाइजी का ये एग्जाम्पल है, और ये 61st में आ गया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, 8 में से 2 गए 6, और एक लगा दो डायरेक्ट जो दे रखा है, ठीक है? दोनों का तो आंसर है इसका 61st, ठीक है? पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, ठीक है? पंचायती राज का तो वैसे आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, ये सिर्फ एक सिंपल सा है, मेरे टेलीग्राम पे 10 PM का लिंक मिलेगा, कौन आज 5 की जगह 10 चैप्टर करेगा, यानी कि मतलब 7 बजे तो पढ़ रहा है लेकिन 10 बजे भी पढ़ेगा, 5 की जगह 10 चैप्टर जो पढ़ने वाला गेस लिख दो, क्योंकि फिर उसे 7 के साथ साथ 10 बजे भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों टाइमिंग पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 10 होंगे,
और जो मैं रात को 10 बजे 5 करा दूंगा वो 7 बजे रिपीट नहीं होंगे, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन में 30 चैप्टर कराने हैं। ठीक है, तो 5 चैप्टर जो है रात को 10 बजे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप 5 की जगह 10 चैप्टर करोगे, 3 दिन में 30 चैप्टर करके सिलेबस को आधा कवर करोगे। ठीक है, आंसर है 73rd, सारे चैप्टर हो जाएंगे। जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आया, जल्दी से बताएगा, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 बजे की क्लास टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है आराम से। जीएसटी जो लेटेस्ट में से है, जीएसटी है 101 में, है ना, जीएसटी 101 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, एक और क्वेश्चन देखिएगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल मुश्किल चैप्टर है भाई ये। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया, एससी एसटी कमीशन को कौन से अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया, मुश्किल क्वेश्चन है, याद रखना ये। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है, ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आसान नहीं है। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट से, ध्यान रखिएगा, ये आंसर है 66th अमेंडमेंट से, 65th अमेंडमेंट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 65th अमेंडमेंट से आया ये। इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं, आप सब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी का क्या है, 42 है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का 42 है, सारे ऑप्शन गलत हैं, तो 42 लगाइएगा आंसर। जैसे अभी पंचायत का हमने 73 याद कर लिया, पंचायत का, ऐसे ही शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है, शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है और उनका 74 होता है। ठीक है, शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है और उनका 74 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन देखा, जैसे हमने अभी एक नेपाली कोंकणी ये सब भाषाओं का जो है हमने 71 याद कर लिया था, अभी किया था एनके 71। अब कह रहे हैं कि मैथिली बोडो डोगरी और संथली कौन से अमेंडमेंट से 8th शेड्यूल में आया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब ये अलग है, कोंकणी और नेपाली वाला अलग था, ये अलग है, तो इधर 92 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 92 दे रखा है, याद रखना है यार, ये मिस नहीं होना चाहिए, आप इतना ध्यान रखो, 92 71 और 21। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख लो, 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 1 गए 1। ये 3 अमेंडमेंट है जो लैंग्वेज के अमेंडमेंट, ये 3 अमेंडमेंट है जो लैंग्वेज के अमेंडमेंट। ठीक है, चाहे जोड़ के याद कर लो या घटा के याद कर लो, याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और एंटीवायरस आ गया है भाई, चलो ऐसे भी आ गया ना सिंधी, है ना, ये इधर क्वेश्चन हमने 92 का किया, 71 मैंने पहले करा दिया, अब बचा सिंधी कौन से 15 लैंग्वेज बना 8th शेड्यूल में, ये किस में आया बताइए। सिंधी 21 में आएगा, फिर मैंने अभी बताया आपको, सिंधी 21 में आएगा फिर, है ना, सिंधी 21 में आएगा, तो चलो ये भी गया क्वेश्चन सिंधी 21 में। चलिए, दिल्ली को एनसीटी घोषित किया गया कौन से अमेंडमेंट से, बताइए दिल्ली को एनसीटी कौन से अमेंडमेंट से घोषित किया गया, जल्दी से बताइए। चैलेंज आपके लिए लाइव है, कल मैंने आपका ओपन डिस्कशन किया था, लेकिन आज चैलेंज ही है, और आज चैलेंज ऐसा है कि आज क्वेश्चन की स्पीड गति, आज एक्यूरेसी के साथ स्पीड पे हमारा फोकस है। मैं जो आपको टेस्ट करा रहा हूँ ना 8 PM पे, वो पर्पसफुल टेस्ट है, वो 1 घंटे को निकालने के लिए नहीं है, 1 घंटे को इन्वेस्ट करने के लिए। आज आपकी एक्यूरेसी के साथ मैं आपकी स्पीड देख लूंगा, 4-4 सेकंड का समय दूंगा मैं आज आपको क्वेश्चन करने के लिए, तभी कह रहा हूँ 120 क्वेश्चन करवाऊंगा, और मुझे एक्यूरेसी भी चाहिए, 100+ आंसर चाहिए मुझे आपके। ये चैलेंज है आज आपका 8 PM का, ऊपर मैंने लिंक भी दे दिया उसका, ठीक है, ऊपर मैंने उसका लिंक भी दे दिया। बताइए आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 69 इसका आंसर है। ठीक है, 69 इसका आंसर है। 100th अमेंडमेंट किसके लिए हुआ, अभी 101 जीएसटी का पढ़ लिया, 101 जीएसटी का पढ़ लिया। ठीक है, 101 पढ़ने के बाद जब मैं 100 पढ़ूंगा तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टेरिटरी जो है इंडिया का भाग बनी थी उसका हमने पढ़ा है। ठीक है, बांग्लादेश की टेरिटरी जो है इंडिया का भाग बनी थी, ये इसका क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है,
ये ऑप्शन सही नहीं दे रखे, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया था, ठीक है ध्यान रखना, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट से आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है 42nd अमेंडमेंट से आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है 42nd होगा इसका, ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी असेंट जो है 24। अच्छा यार इंपॉर्टेंट जब इस चैप्टर का हिस्सा है तो हमें पढ़ना है, राष्ट्रपति को संविधान जो जो विधाय होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें ना कंपलसरी एक्सेप्ट करना पड़ता है उसे, और ये कौन से अमेंडमेंट में है, ये 24th अमेंडमेंट हुआ था, इसके लिए 42nd लगाते हैं बच्चे, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको ना 42nd लगाते हैं, 42nd इज नोट द आंसर, आंसर 24th, आंसर क्या है 24th है, क्वेश्चन आपको 24th मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 24th मिलेगा, ठीक है तो 24th याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ये 24th याद रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, चलिए को क्वेश्चन देखिए, आप सभी जानते हैं अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को जो है 10% का कोटा मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, और वो कौन से अमेंडमेंट में आया था, ठीक है चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना देखो भाई जो डेडिकेटेड बच्चा है ना उसे समझ आ रहा है कि 30 चैप्टर की कितनी अहमियत होता है अगर आपको वो 3 दिन में मिल रहे हो, और कोई ऐसा नहीं कि मैं रैंडम पढ़ा रहा हूँ, लो भाई मैं आपको अभी बंद कर रहा पढ़ा रहा हूँ, एक फिक्स टाइमिंग है 7 और 8 बजे, 7 बजे और 10 बजे आके 5 5 चैप्टर 10 10 चैप्टर 3 दिन में कर लो, ठीक है और 8 बजे पेपर निकाल दो, बस जीके आपकी ऐसी हो जाएगी, आपको ना मतलब एक बेस मिल जाएगा अच्छे वाला, वो अगर चाहिए तो जरूर करो, आंसर है 103 इसका आंसर है। देखो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ठीक है 300A बना दिया गया उसे, है ना फंडामेंटल राइट, इस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये बदलाव किससे लाएगा, ठीक है पता है ये बदलाव किससे लाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये बदलाव किससे लाएगा 44th अमेंडमेंट से लाएगा, किससे लाएगा 44th अमेंडमेंट से लाएगा, ये 300A है इस समय, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है देखो इमरजेंसी का ना जो टर्म है वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के आम रेबेलियन कर दिया गया है, ठीक है पहले इमरजेंसी इस बेस पे लगती थी, अब इमरजेंसी आम रेबेलियन के बेस पे लगती है, और ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ जल्दी से बताइएगा कौन से, ये अच्छी बात है, अच्छी बात इज इक्वल टू अच्छे गरम, आंसर है इस क्वेश्चन का 44th, ये गलत नहीं होगा, सिक्किम को स्टेट का स्टेटस मिला किससे जल्दी से बताइएगा, है ना आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, सिक्किम को स्टेट का दर्जा किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है सिक्किम का क्वेश्चन, ठीक है 36 और 100% क्वेश्चन आता है सिक्किम का, चलिए वो ये मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, प्रीएम्बल में 3 वर्ड डालेंगे सोशलिस्ट, ठीक है बार बार दूसरा भी आएगा तीसरा भी आएगा फिर सेकुलर और तीसरा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी ये 3 वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में डाले गए, सिंपल सा वर्ड याद रखो ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में डाले गए, एक ही संशोधन हुआ, ठीक है गोवा को फुल फ्लेज स्टेट कैसे बनाया गया, गोवा इज अ फुल फ्लेज स्टेट ना, अभी गोवा के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं इसका नाम पता होना चाहिए कि व्यक्ति का नाम कि भाई कौन सीएम बने है ना, तो ये सब चीजें याद रखो, बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मैंने ऊपर टारगेट लगा दिया है 120 जो है क्वेश्चन होंगे 100 नंबर निकालने पूरी स्पीड एक्यूरेसी के साथ, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा ले लेना, ठीक है चाहे आधा घंटा लेना आपकी मर्जी है, आप कितने में कर सकते हो, चैलेंज है आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 56 इसका आंसर है, गोवा को बनाएगा फुल फ्लेज स्टेट, 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी स्टेट बनाई गई थी, मुश्किल क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैसे मेघालय को बनाएगा, देख लो शुरुआत मैंने करी स्टैटिक जीके से, दूसरा चैप्टर मैंने साइंस का डाला, तीसरा मैंने आपका पॉलिटी का डाल दिया, चौथा मैंने हिस्ट्री का डाल दिया,
और पांचवा आपको ज्योग्राफी का मिलेगा। आप सोच के देखो, आप हर दिन अगर सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर करोगे और रात को 10 बजे और 7 बजे कर लोगे, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपका कोर्स 50% आराम से कंप्लीट है 3 दिन में। चलिए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से बनता है, ये रिफॉर्म्स का। चिपकू मूवमेंट के फाउंडर कौन थे बताइएगा, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चिपकू मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, सुंदरलाल बघोना। फालतू की चीज मैं कराऊंगा नहीं आपको। सेवा सदन की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे, थोड़ा स्पीड में करना, ठीक है। सेवा सदन की शुरुआत जो है, इसके फाउंडर कौन, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ब्रह्म जी जो है, ठीक है, बहराम जी जो मालवारी है, इनके द्वारा किया गया, ठीक है, सेवा सदन की शुरुआत। और ये गलत मत कर देना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद और जो दयानंद सरस्वती है उनके द्वारा अलग चीज किया गया था ना, ठीक है, दयानंद सरस्वती का अलग है, इधर आप विवेकानंद याद रखना, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, पते अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अलीगढ़ मूवमेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आता है लेकिन पेपर ना मिलता है। अच्छा एक बार पहले ये बताओ, देखो यार ये जेन्युइन अप्रोच रहेगी, वही बच्चा सिलेक्शन ले पा रहा है जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है। एक बार ही बताओ, चैलेंज कौन एक्सेप्ट कर रहा है आज, मैं क्वेश्चन कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, 45 मिनट 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। 8 बजे के चैलेंज को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आप पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, मुझसे पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट दिस चैलेंज। इसको आप कटिंग करके देखो कि जितने भी बच्चे आपके सामने होंगे उनके साथ लाइव कम्पीट करो, ज्यादा मजा आएगा, पता भी चलेगा कि यार कितना आता है, ठीक है, अगर नहीं आता होगा कर लेना तैयारी, है ना। चलिए, तो आंसर के इस क्वेश्चन का, सर सईद अहमद खान है, ठीक है। देवबंद मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई, देवबंद मूवमेंट बताइए, देखो देवबंद मूवमेंट की शुरुआत, बेटा टाइम 8 बजे का है, यानी कि मतलब ये क्लास लगाई है, इसके ऊपर लिंक दे रखा है, इसी क्लास के जस्ट बाद पेपर, सीखते ही पेपर, ठीक है, इसके जस्ट बाद पेपर है, ठीक है, फ्री क्लास होगी पूरी, बहुत ए एम बी है, ठीक है, मोहम्मद कासिम और रशीद, ठीक है, ये दो है, ध्यान रखना इन दोनों का कि भाई देवबंद मूवमेंट की शुरुआत इनके द्वारा की गई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, 100% आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। कल भी 7 बजे 5 चैप्टर होंगे, आज भी रात को 10 बजे 5 चैप्टर होंगे, 100%, ठीक है, 5 चैप्टर होने हैं, इतना समझ लो आपकी किसी भी क्लास में 5 चैप्टर होने हैं अच्छे खासे। चलिए, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है, इधर क्या होता है इसमें, ये क्वेश्चन ना गलत कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ, पेपर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक मिलेगा नारायण गुरु, और मैं आपको बता रहा हूँ 80% बच्चे लगाएंगे नारायण गुरु, 80% बच्चे। चलिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का, ईवी रामस्वामी नायकर, इसका आंसर नारायण गुरु मत लगाना, ठीक है, ध्यान रखना गलत हो जाता है, हर बार लगता है ये गलत, ठीक है। सत्यशोधक समाज, पता है सत्यशोधक समाज की शुरुआत किसके द्वारा की गई, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सत्यशोधक समाज, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ज्योतिबा फुले हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई। कोई चैप्टर मिस होता है तो टेंशन मत लेना, 10 बजे वाली क्लास में करा देंगे, चैप्टर नहीं मिस होगा, ठीक है, ये चैप्टर मिस तो नंबर मिस हो गए, तो चैप्टर मिस नहीं होगा, कुछ भी रह जाएगा 10 बजे क्लास में पूरा होगा, ठीक है। रात को 10 बजे क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, चैप्टर के नाम लिखे होंगे, देख लेना अपने आप, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, लाइव क्लास रखूंगा, जीके गोखले इसका आंसर है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
आप नाम देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि भाई जो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी है, इसके जो है फाउंडर कौन हो सकते हैं, हु कैन बी पॉसिबली द फाउंडर। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का दोस्तों, ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है, ठीक है ना। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है। ए सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदीराम खिदमतदार, ए खुदाई खिदमतदार, सॉरी, ए खान अब्दुल जो है गफर खान है, फ्रंटियर गांधी कहते हैं इन्हें, है ना, फ्रंटियर गांधी इनके द्वारा शुरू किया गया था, फ्रंटियर गांधी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई किसके द्वारा शुरू हुआ, फ्रंटियर गांधी। जो ऊपर लाइव चैलेंज है ना, उसका मैंने लिंक लगा दिया ऊपर, और मैंने कोड बता दे रहा हूं, अमन 11 AM11 फ्री होगा पूरा सभी के लिए, जो आप पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार, जो भी आ रहा है बच्चा, ठीक है, अटेम्प्ट करने के लिए कोड लगाना और आपका लाइव होगा ये, मैं खुद करवाऊंगा आपसे अटेम्प्ट, ठीक है, खुद मैं आपसे लाइव अटेम्प्ट करवाऊंगा ये, ठीक है, इस कोड से एंट्री कर लेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वन महोत्सव के फाउंडर कौन, वन महोत्सव के फाउंडर कौन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अरे आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो तो वन महोत्सव के फाउंडर जो है वो कौन है, के एम मुंशी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाभी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आप नाम देख के पता लगा सकते हो, शाह वलीउल्लाह इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन से ही समझ आ रहा है कि हाँ इसका आंसर जो है शाह वलीउल्लाह जो है होगा, ठीक है, और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखो आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है निकल जाते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा 10 PM का भी, और इसका 8 PM का जो चैलेंज है ना, उसका भी लिंक मैं इसमें डालूंगा, ठीक है, कि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, देखो एक क्वेश्चन आया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, उसका आंसर अलग था, और यहाँ पे सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इसका आंसर अलग है। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी का आंसर लाला लाजपत राय है, देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, हाँ बिल्कुल कविता, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, दोनों में फर्क है, यही पेपर में गलत होता है, बच्चे सोचते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया यार, और गलत हो गया, उनको पता नहीं है, ठीक है, घर पहुँचते पहुँचते तक पता चलता है, ओ शिट यार ये भी गया, है ना, लाला लाजपत राय आंसर है, पीपल लिखा मिले तो लाला लाजपत राय आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये नहीं करना क्वेश्चन, नॉट इम्पोर्टेंट, वैसे नाम याद रखो मेधा पाटकर, चिन्मय मिशन, नाम से पता चल, चिन्मय चिन्मय, खत्म, ओके टाटा बाय बाय, अभी नहीं, अभी पूरा बंदो क्वेश्चन, अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, जल्दी से बताइएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ, ठीक है, अहमदिया मूवमेंट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए आंसर क्या, अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन थे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिर्जा गुलाम अहमद, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, क्वेश्चन आपके आते ही हैं, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जैसे, रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ऐसे ही आर्य समाज की शुरुआत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखना, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, फाउंडर कौन, पीपल एजुकेशन सोसाइटी फाउंडर कौन, बताइए पीपल एजुकेशन सोसाइटी के, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पीपल एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन, ये चीजें ना हमें ना बहुत आसान लगती है भाई, जब पेपर में आता है ना बच्चा भूल जाता है ये चीज की, यार पीपल एजुकेशन के कौन थे, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पूछा पीपल ऑफ पीपल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इनके कौन, अहमदिया मूवमेंट के कौन, कंफ्यूज हो जाता बच्चा, रिवाइज करो बार बार, पेपर में अटेम्प्ट करके देखना, फिर बी आर अम्बेडकर इसका आंसर है, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ध्यान रखना गलत होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, बेटा पेपर के बीच में गैप कमी होगा, इस क्लास के एंड होते ही ऊपर लिंक ओपन करना, ऊपर वाला लिंक है उसी को एक्सेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल से,
ओपन करके रख लेना, 5 मिनट में अटेम्प्ट स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, 5-10 मिनट में स्टार्ट करा देंगे, उससे ज़्यादा समय जितने में हम इसे बंद करेंगे उतने में। आंसर है आत्मराम पांडुरंग। उदान मूवमेंट फेमस है विनोबा भावे के द्वारा, इसको नहीं करना, आसान है, ये दोनों आसान है, जो चीज़ें आसान है उसको छोड़ेंगे। तत्व बोधनी सभा, क्वेश्चन याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि तत्व बोधनी सभा की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई। चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर है, क्या आंसर है, देवेंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलो देखो अब क्या है सिस्टम कि भाई ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर रहेगा और बाकी 5 चैप्टर जो रात को होने हैं 10 बजे, ठीक है, तो मतलब आज रात को 5 की जगह 6 चैप्टर होंगे, क्योंकि अगर इधर कोई चैप्टर रह जाता है तो रात को 10 बजे 5 चैप्टर में ऐड हो जाता है, ठीक है, तो रात को 10 बजे का क्लास जो होगा उसमें कंटिन्यू करना, बाकी के 10 चैप्टर जो आज बाकी के जो 5 चैप्टर आज के और ये वाला चैप्टर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिस मत करना है 10 बजे वाली क्लास। 3 दिन तो बेशक याद रखो कि आपको 2 क्लासे लेनी है, 2 चैप्टर खत्म करने के लिए लेनी है 3 दिन, ठीक है, बाकी बतानी 3 दिन आपको 10 चैप्टर खत्म करने हैं, नहीं करें खत्म तो आपके वो मिस है और रिपीट नहीं होंगे। टेलीग्राम चैनल सर्च करो, ऊपर लिंक दे रखा है, चैलेंज एक्सेप्ट है, तो 120 क्वेश्चन 100+ लाने हैं, कोड अमन 11 है, ऊपर लिंक दे रखा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले 15-20 मिनट में ही आप अपने लेवल को समझ जाओगे, इतना मैं अश्योरिटी देता हूं। जो आप कंपटीशन देखोगे ना, बच्चा 50 में से 50 से मार रहा, ठीक है, आपको समझ आएगा कि यार हाँ ये कंपटीशन है। ऊपर लिंक दे रखा है, इस टेलीग्राम पे लिंक दे रहा हूँ, एंट्री कोड अमन 11 है, हार्डली 10 मिनट में पेपर स्टार्ट होना है, लिंक ओपन करके रख लो, टेलीग्राम चैनल सर्च कर लो, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हों उसमें जुड़ जाओ। मैं बस इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कंप्लीट भी अच्छे से करोगे, ठीक है, कम से कम आप अप्रोच तो बनाओ एक पेपर को देने की, वो बना लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होगा। अगर आप उससे भी डरोगे ना कि मेरे को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, मैं अभी डर रहा हूँ, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। पेपर वाले दिन तो करोगे ना, उस दिन हारोगे, आज हार लो सीख जाओगे कुछ, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे और ऊपर वाले लिंक पे एक्सेस कर लो, अमन 11 कोड है एंट्री के लिए, तो यूटिलाइज करो, बाकी कोर्सेस हाइक होने वाली हैं फीस, तो उसके लिए भी कोड अमन 11 यूज करके जुड़ जाना, ठीक है, फीस हाइक होने से पहले जुड़ जाओ। सेशन लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 10 बजे वाली क्लास भी आपको मिलेगी, लेकिन अभी आप जो है पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है, लिंक ऊपर दे रखा है, एक्सेस कर लो डायरेक्टली सारे के सारे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके बाय।